जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो है वो अपवर्क के कोर्स का जो है वो लेक्चर टू है, जिसमें हम बात करेंगे अपवर्क के बारे में। इंट्रोडक्शन टू अपवर्क, जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग, और बहुत ऐसी एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। बहुत अच्छा डिस्कस किया था, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई थी हमारी फर्स्ट क्लास में। तो आज की जो सेकंड क्लास है उसमें हम बात करेंगे कि अपवर्क है क्या। इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट अपवर्क का करेंगे, उसका डिफरेंस फाइवर से क्या है, आप अपना स्किल कैसे चूज कर सकते हैं, अपवर्क पे कौन काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आज भी जो है वो काफी एक्साइटिंग जो है वो बातें हम करेंगे। बहुत अच्छा सेशन आज का होने वाला है, तो हम वेट कर लेते हैं 1 मिनट ऑलमोस्ट, ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो ज्वाइन कर लें। और अच्छा, एक क्वेश्चन के काइंडली चैट में मेंशन करें कि आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, काइंडली चैट में लिखें क्या आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करवाई है या नहीं करवाई। अगर नहीं भी करवाई तो कोई इशू नहीं है, जस्ट चैट में लाजमी मेंशन करें। जिसने करवा दी है वो भी मेंशन करे कि उन्होंने करवा दी है या नहीं। जी, ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो 30+ हैं, लेकिन जो चैट में रिस्पांस है वो बहुत लेजी आ रहा है, और बहुत कम स्टूडेंट्स जिन्होंने रिप्लाई किया है। जी, जिन्होंने नहीं की वो काइंडली सबमिट करवा दें। और दूसरी बात के अपवर्क के ग्रुप में जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, इस कोर्स का व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, उसमें काफी डिस्कशंस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। उसमें आपको टाइम बता दिया जाएगा कि आपने किस टाइम से कब तक जो है वो क्वेश्चन करना होता है उस ग्रुप में, और प्राइवेट सपोर्ट भी आपके पास उसकी होती है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हैं, दूसरी असाइनमेंट उनको मिल जाएगी, तो वो काइंडली दूसरी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करके मुझे सबमिट भी करवाएं, और फेसबुक पे भी आपने सबमिट करनी होती है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो वहां पे आप व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं। जिन्होंने व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं किया, काइंडली वो कॉन्टेक्ट करें मैम से और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लाजमी जो है वो आपने व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जब भी आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी क्वेश्चन का सामना हो या कोई भी मसाइल पेश आए, तो आप जो है वो वहां से अच्छी सपोर्ट आपको मिल सके, और आपके सारे क्वेश्चंस का है जो जवाब जो है वो मिल सके। तो काइंडली इस चीज को रखिएगा जहन में कि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनकी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएंगी, और चेक करके उनका रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा वहाँ पे। काइंडली ये चीज जो है वो लाजमी याद रखिएगा। और जिन्होंने अपनी असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई, वो काइंडली आज के लेक्चर के बाद लाजमी जो है वो कोशिश करें कि अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दें। अच्छे से असाइनमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे, इसके फायदे भी बहुत हैं, क्योंकि LWE का प्लेटफॉर्म ये भी करता है कि जो स्टूडेंट अच्छे से असाइनमेंट्स कंप्लीट करता है, क्वेश्चंस करता है, कोर्स के बारे में अच्छी प्रोग्रेस दिखाता है, उसको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं, उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, और उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और दूसरों को भी पता चले कि ये स्टूडेंट जो है बहुत अच्छी तरह इस कोर्स को कम्प्लीट कर रहा है। तो काइंडली इस चीज को भी जहन में रखिएगा। तो पहली जो असाइनमेंट थी उसमें मैंने आपको कहा था कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपने स्किल के बारे में बताएं कि आपका कौन सा स्किल है या आप कौन सा सीख रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने अगर अर्निंग स्टार्ट कर दी है तो क्या आप अर्न कर रहे हैं इस वक्त। ये थी पहली अपवर्क की असाइनमेंट। ठीक है, आज का जो है वो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन होने वाला है जी इंट्रोडक्शन टू अपवर्क। आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप चैट में लिख लें, और अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मैं चैट में इस सेशन में ना कर पाऊँ तो आपने व्हाट्सएप पे वही क्वेश्चन जो है वो आपने वहाँ पे लाजमी पूछ लेना है, ताकि आपको उन सारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर दिया जाए। सबसे पहले तो हम अपवर्क के इंट्रोडक्शन में, ये पहली और दूसरी क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन थी। पहली इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग थी, दूसरी इंट्रोडक्शन टू अपवर्क है, जो कि आज की क्लास है। काइंडली जो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे लाइंस लगा रहे हैं वो मत लगाएं, और अगर गलती से लगी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दोबारा जो है वो मत लगाएं। ठीक है, और अभी 45+ स्टूडेंट्स जो है हमारी क्लास में है। तो काइंडली पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने असाइनमेंट कंप्लीट की है पहले लेक्चर की या नहीं। अगर की है तो येस टाइप करें चैट में, अगर नहीं की तो नो करें, और साथ में नहीं की तो आज जो है वो असाइनमेंट लाजमी सबमिट करवाएं। ठीक है,
और उसके बाद अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं अवेलेबल होता हूँ, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, आपको मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी जब तक ये कोर्स चलता है, और कोर्स के बाद भी आपको मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, ताकि अगर कोर्स के बाद भी आपको कोई मसाइल आते हैं तो वो भी आप डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकें। अपवर्क का इंट्रोडक्शन करते हैं। अपवर्क जो है एक प्रोफेशनल वेबसाइट होने के साथ साथ, सबसे पहले तो इसको जो है वो ई लेंस कहा जाता था, फिर ये ओडेस्क, ई लेंस ओडेक्स में मर्ज हुई, उसके बाद इसको मर्ज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया अपवर्क, ठीक है, 2015 में मर्ज करके रीब्रांड कर दिया गया अपवर्क को 2015 में। इसका पहले नाम ई लेंस या ओडेस्क हुआ करता था, ठीक है। 2013 में ये ई लेंस ओडेक्स, और उसके बाद इसको मर्ज किया गया ई लेंस में, और उसके बाद 2015 में इसको रीब्रांड कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया अपवर्क, ठीक है। 2017 के स्टैट्स जो है वो शो करते हैं कि यहाँ पे 14 मिलियन यूजर 180 कंट्री से जो है वो इसमें काउंट हो चुके हैं, यानी 180 कंट्री से क्लाइंट्स इस पोर्टल पे, इस फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आते हैं, और जो अपने फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो ज्यादातर परमानेंट वर्क या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, ऑन गोइंग यानी जो चलते रहते हैं, एक एक दफा आपने उसकी टास्क कंप्लीट की तो हो सकता है कि वो दूसरे दिन भी टास्क दे, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपको मंथली की बेसिस पे या 15 दिन पे वो हायर कर लेते हैं कि आपने डेली ये काम करना होता है। तो यहाँ पे ज्यादा जो क्लाइंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो फ्रीलांसर को हायर करें जो ज्यादा दिन तक उनके साथ काम कर सके, क्योंकि उन्होंने हर चीज आपको ट्रेनिंग देनी होती है। देखें, फॉरेन क्लाइंट्स या फॉरेन लोगों की ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जो भी वो काम के लिए, जिस काम के लिए भी हायर करते हैं, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते होते हैं। अक्सर जो है वो प्रोजेक्ट्स में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो जब भी उनको दूसरा काम पड़ता है या दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट करवाना है तो उन्हीं फ्रीलांसर से वो दोबारा प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करवाते हैं। फाइवर की तरह नहीं है कि एक दफा एक ने गिग परचेज कर ली एक क्लाइंट ने तो हो सकता है कि वो दूसरे की तरफ चला जाएगा जो उसको लो में प्रोवाइड करा होगा। नहीं, यहाँ पर ज्यादातर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और वो आप पे अपना टाइम के साथ साथ पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी जब वो आपको ट्रेनिंग देते हैं तो वो ट्रेनिंग भी पेड होती है, वो पैसे आपको उस ट्रेनिंग पे भी मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो आप पे अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करती है ताकि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म चल सकें। ये अपनी जो है अपवर्क की खासियत है कि यहाँ पे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स आपको ज्यादा मिलते हैं। इस पे जिसके जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं, काइंडली चैट में लिख दीजिएगा, आज के सेशन के एंड में उनका आंसर मैं दे दूंगा, ना ना दे सकूं तो आप काइंडली वो उसमें व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसमें पूछ लीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बायर और सेलर के लिए। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो है वो बताया था कि इसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है, ये फ्रीलांसर्स को भी उतना ही जो है वो प्रोवाइड करता है मौका बात करने का या अपनी बात पेश करने का, अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई मसला आ जाता है प्रोजेक्ट में, और सेलर को भी उतना ही मौका देता है, यानी ये इक्वल दोनों को समझता है, क्योंकि ये इनको पता है कि फ्रीलांसर भी इनको जो है वो कमा के दे रहे हैं। अगर फ्रीलांसर नहीं है तो ये इनका जो ये जो अपवर्क की वेबसाइट है या इनका जो पोर्टल है वो नहीं चल सकता है, तो ये फ्रीलांसर को भी उतना ही मौका प्रोवाइड करते हैं, इक्वल जो है ये दोनों को रखते हैं। ये दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं होता जहाँ पे सिर्फ क्लाइंट को प्रायोरिटी दी जाती है, तरजीह दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है अपवर्क पे जो मोस्ट डिमांडेड स्किल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, काइंडली इसको गौर से सुनिएगा, ठीक है, कि अपवर्क पे अगर आप अभी से कोई स्किल चूज करना चाहते हैं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था अगर आपने देखी हो कि आप अपना स्किल किस तरह चूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये एक मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी कि अगर आपको फिलहाल समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा स्किल जो है वो एक्वायर करें या सीखें, तो आप एक या दो स्किल्स जिनमें आप बहुत इंटरेस्टेड हो वो स्टार्ट करें, एक स्किल सीखें, आपको अगर लग रहा है कि आप उसको आगे लेके चल सकते हैं, उसको कंप्लीट, उसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं, आपको समझ आ रही है तो ठीक है, उसको कंटिन्यू रखें, वरना दूसरे पे मूव करें। तो इसी तरह 2 से 3 पे आप जाएंगे तो आपको कोई आपका जो बी फिटिंग स्किल है वो लाजमी आपके पास आपको मिल जाएगा, उसकी निशानदेही आपको हो जाएगी कि जी ये स्किल जो है इस पे जो है मेरी ग्रिप भी आती है, मैं इसको समझता भी हूँ और हर तरह से ये मेरे जहन में भी बैठ रहा है। तो आप उस स्किल पे फिर मेहनत करें और उसको इतना पॉलिश करें कि आपको क्लाइंट ढूंढने की जो है वो जरूरत ना पड़े, और क्योंकि जो भी एक दफा आपके साथ काम करेगा
वो ना सिर्फ आपके साथ दोबारा काम करने की ख्वाहिश रखेगा, बल्कि वो दूसरे क्लाइंट्स को रेफर भी करेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर एक क्लाइंट ने आपसे काम लिया, उसको बहुत पसंद आया, तो ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो अपने दूसरे कोलीग को जो अपवर्क से फ्रीलांसर हायर करता है, तो वो उसको भी आपको रेफर करे। और इसमें अक्सर मैं चैट में मेंशन भी कर देता होता हूँ जो मेरा क्लाइंट होता है, कि काइंडली अगर आपके पास कोई इस तरह का दूसरा कोलीग है जो कि यही सर्विसेज, या मैं उसको लिस्ट ऑफ सर्विसेज अपनी बता देता हूँ ताकि वो मुझे रेफर कर सके दूसरे क्लाइंट को। ठीक है, इस तरह होता है ना, हम जैसे सिफारिश लगा देते हैं, वो इस तरह होता है कि आपने इसमें काम अच्छा करना होता है। ठीक है, आपने काम अच्छा किया, क्लाइंट खुश हुआ है, वो कोशिश करता है कि वही अच्छा काम दूसरे उसके कोलीग को भी मिले, क्योंकि ये फॉरेन जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ये कोशिश करते हैं उनका काम परफेक्ट हो और उनको टाइमली डिलीवरी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 10 स्किल्स जो हैं ग्लोबली अपवर्क पे जो डिमांडेड, मोस्ट डिमांडेड स्किल्स हैं, उसमें टॉप पे है वो है वेब डिजाइन। ठीक है, वेब डिजाइन, वेब डिजाइन क्या होता है, वेबसाइट की जो डिजाइनिंग करते हैं उसके बारे में है। ठीक है, दूसरा जो है वो है वर्डप्रेस डेवलपमेंट। जितने भी स्टूडेंट्स जो जानते हैं या उनका स्किल है, वो काइंडली चैट में मेंशन करें कि उनका जो है जो स्किल है उनको मुबारक हो कि उनका स्किल दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अपवर्क पे मोस्ट डिमांडेड स्किल्स में। ठीक है, तीसरा है वेब प्रोग्रामिंग, उसके बाद आता है ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, HTML हो गया, PHP हो गया, शॉपिफाई हो गया। शॉपिफाई ई कॉमर्स से रिलेटेड होता है, ये दराज की तरह होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसका भी बहुत अच्छा काम होता है, ये इजी इजीली आप सीख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल नॉलेज आपको इसमें भी रिक्वायर होती है, API। उसके बाद ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन भी बहुत अच्छा स्किल है। ये जितने भी टॉप 10 स्किल्स हैं, इसमें आप जो है वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं अपवर्क पे। अगर आपका आप स्किल सीख लेते हैं, आप उसको अच्छे से पॉलिश कर लेते हैं, आपके सैंपल्स रेडी हो जाते हैं और आप अपवर्क का प्रोफाइल बना के सैंपल्स लगा देते हैं और प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको पहले ही हफ्ते में या पहले ही दिन में या पहले ही कुछ दिनों में जो है वो ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, आपने प्रपोजल पे वर्क करना है। ठीक है, ये सारी चीजें, जितने भी प्रोफाइल क्रिएशन के मेथड्स हैं और किस तरह आपने प्रपोजल सेंड करना है, वो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये जो कोर्स है वो 10 क्लासेस पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो इस कोर्स को 10 क्लासेस पे इसीलिए रखा गया ताकि अपवर्क की A to Z आपको एक एक चीज के बारे में डिटेल से बताया जाए। ठीक है, जितनी डिटेल से आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता होगा, उतनी जल्दी आप इस पे एक्सेल कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, ये टॉप 10 स्किल्स जो थी ये मैंने आपको बता दी, जनरल टॉप 10 जो है डिमांडेड स्किल्स जो थी अपवर्क पे वो ये हैं। उसके बाद जो है वो है कस्टमर कनेक्शन या कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी जो है वो टॉप 10 मार्केटिंग स्किल्स हैं। देखिए इसमें भी कैटेगरीज हैं। ठीक है, जर्नल जो है वो टेक स्किल्स में ये आ गई, वेब डिजाइन, वर्डप्रेस, वेब प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट, ग्राफिक डिजाइन और शॉपिफाई हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो मार्केटिंग स्किल्स हैं टॉप 10, उसमें आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉप ऑफ द लिस्ट। उसके बाद आता है लीड जनरेशन, लीड जनरेशन भी बहुत अच्छा काम है, इसके जितने भी सीखा हुआ है या जिनके पास इसके टूल्स हैं वो भी बहुत अच्छा कमाते हैं। उसके बाद फेसबुक से रिलेटेड काफी सारी चीजें, फेसबुक एड्स हो गया, फेसबुक पोस्टिंग हो गया, इस तरह की चीजें। उसके बाद SEO की बहुत डिमांड है, SEO इन डिमांड स्किल है, SEO में काफी सारी कैटेगरीज होती हैं, B2B मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम एड्स है, इंस्टाग्राम पोस्टिंग है, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, यानी आपने एक प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस किसी क्लाइंट की वो मार्केट करनी है तो उसकी आप उसको स्ट्रेटजी बना के देंगे पूरी। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट SMM, इसमें से जितने भी मैंने आपको कोर्स अभी बता रहा हूँ और जो आगे बताने वाला हूँ, इसमें से ज्यादातर कोर्सेज जो है LWE के प्लेटफॉर्म पे फिलहाल करवाए जा रहे हैं, तो काइंडली अगर आप जो है वो अवेल करना चाहते हैं तो उनको अवेल भी कर सकते हैं। उसके बाद 9th पे मार्केटिंग स्किल्स में है ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद जो है 10th पे है मार्केटिंग रिसर्च। उसके बाद जो है वो टॉप 10 कस्टमर सर्विस स्किल्स मैं आपको बताऊंगा, इसमें बहुत ही जो जबरदस्त स्किल्स हैं और बहुत ही इजी टू लर्न स्किल्स हैं वो इसमें है। ठीक है, अगर किसी के पास हैं तो वो काइंडली इनको अच्छे से यूटिलाइज करे स्किल्स को। पहले नंबर पे है कस्टमर सर्विस, दूसरे नंबर पे है कस्टमर सपोर्ट, तीसरे नंबर पर है ईमेल कम्युनिकेशन, चौथे नंबर पे है फोन सपोर्ट,
पे है ईमेल सपोर्ट, उसके बाद सिक्स पे है कम्युनिकेशन, सेवेंथ पे है ऑनलाइन चैट सपोर्ट। इस जितने भी स्किल्स हैं ये आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है, ये लिंक जो है वो अवेलेबल है। ये लिंक मैं आपके साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप दोबारा से इनको देख सकते हैं इजीली। मैं भी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन आप दोबारा से खुद से भी इस पूरे पेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद एट्थ पे है आंसरिंग प्रोडक्ट क्वेश्चंस, नाइन्थ पे है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री कस्टमर सर्विस स्किल्स में जो टॉप 10 है उसमें नाइन्थ नंबर पे है। उसके बाद टेंथ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में क्या होता है कि आप जो है वो कुछ क्लाइंट को बेसिक टास्क जो है वो करके दे रहे होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल होती है, वो आपको ट्रेनिंग उसकी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये थी टॉप 10 डिफरेंट कैटेगरीज में जो स्किल्स टॉप डिमांडेड स्किल्स हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको इस चीज की क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन से स्किल किस किस कैटेगरी में डिमांडिंग में है। ये लिंक आपके साथ व्हाट्सएप में शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप देख सकें। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम चैट में से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हंसला ने पूछा है, हंसला जहाँ से आपने आपको ये रिकॉर्डिंग लिंक्स वगैरह मिलते हैं वहां पे कॉन्टेक्ट करें, वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देंगे। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के का एक प्लेटफॉर्म कह लें, एक होस्टिंग होस्टिंग कह लें। मैं वर्डप्रेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे वर्डप्रेस का आइडिया है। ठीक है, वर्डप्रेस मतलब आपको वेबसाइट बनाने में काम आता है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग तो इसमें है ही नहीं। नहीं, वीडियो एडिटिंग का भी बहुत अच्छा जो है वो बहुत अच्छा स्कोप है उसका। आप जितने भी वीडियो एडिटर्स देख रहे हैं वो काइंडली डिसार्ड नहीं हो, वीडियो एडिटिंग भी इन डिमांडिंग जो है वो स्किल है। अपवर्क पे नहीं है वो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका भी काफी अच्छा वर्क जो है वो मिलता है, आप बेफिक्र रहें। एनिमेशन जो है वो मेकिंग, 3D एनिमेशन हो गया और वाइट बोर्ड एनिमेशन हो गया, ये सारी चीजें जो है वहां पे है। उमेर सिद्दीकी, क्लास का टाइम थोड़ा कम होता है तो काइंडली आप ये वाला सेक्शन जो आपको समझ नहीं आया आप जो है इसको रीवॉच कर लीजिएगा जब आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिले। SMM का क्या रोल था? सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो सोशल मीडिया में जितने भी आप मार्केटिंग के रिलेटेड चीजें होती हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको पढ़ाई जाती हैं। क्या रोल है? अच्छा जी, आप जो है वो क्वेश्चन करते जा रहे हैं, वीडियो एडिटिंग इज डिमांडिंग स्किल इन एड्स मेकिंग। जी बिल्कुल सबा उमर, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा डिमांडिंग स्किल है, आप बेफिक्र रहे हैं, बहुत अच्छा स्किल है, लेकिन आपका स्किल पॉलिश होना चाहिए, उसके बाद आप अच्छे खासे इस पे जो है वो पैसे बना सकते हैं। जी आदिल, मैंने आपको सारे स्किल सारी कैटेगरीज में जितने भी टॉप पे हैं वो मैंने बता दिया है। क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट के साथ किस तरह आपने बात करनी है। जी यहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत जो है वो रोल प्ले करती है, आपका कोई भी स्किल है। आई एम यूट्यूबर, अगर यूट्यूबर है तो आपको SEO करना आती है, तो आप वो यूट्यूब SEO कर सकते हैं अपवर्क पे आके। सॉरी लेट ज्वाइन किया है, अगर मुमकिन हो सके तो आज का लेक्चर रिपीट कर दे। मोहम्मद इकबाल, लेक्चर रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि हम काफी आगे चले जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स आप लेट आए हैं, तो काइंडली कोशिश करें नेक्स्ट टाइम जो है वो आप जल्दी आए और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस लेक्चर की, आप वो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वर्डप्रेस की जॉब और फ्रीलांसिंग वर्क दोनों मिलता है। अहमद रजा, मैं आपकी जो है वो क्वेश्चन समझा नहीं सर। वर्डप्रेस की जॉब, वर्डप्रेस एक स्किल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, और जब आप उस स्किल से पैसे कमाएंगे तो उसका मतलब होगा कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ठीक है, वी कैन, जी, एक क्वेश्चन है, वी कैन सेल ऑल काइंड स्किल्स ऑन अपवर्क। सबीरा, यस यस, आप तकरीबन हर किस्म का स्किल जो है अपवर्क पे सेल कर सकते हैं, जस्ट आपको नो हाउ होनी चाहिए अपने स्किल के बारे में और आपकी कम्युनिकेशन गेम जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप जो चीज सेल कर रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ भी सके, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी समझ सके और उसको भी समझा सके कि आप उसके प्रोजेक्ट में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कैन वी ऐड मोर देन 5 स्किल्स ऑन अपवर्क? नो, यू कैन जस्ट ऐड 2 स्किल्स, 2 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। अपवर्क का एक प्रोफाइल बनता है, उसमें 2 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। एक चीज आप जो है वो लाजमी ध्यान में रखें, जितने भी फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हायर करें जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट नहीं भी है तो इतना वो अच्छे से काम प्रोवाइड उनको कर सकते हैं कि वर्क की क्वालिटी अच्छी हो, टाइमली उनको दे सकें, और उनको फिर बार बार अगर एक से नहीं हुआ तो दूसरे के पास ना जाना पड़े, क्योंकि उस चीज को टाइम वेस्ट समझते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है जैक ऑफ ऑल नहीं बनना। ठीक है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी अगर आपने 6 स्किल सीख ली है लेकिन आप मास्टर किसी में भी नहीं हो
तो आपकी वो वैल्यू नहीं होगी, आपको एज अ सब्स्टिट्यूट ही रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 स्किल सीख लेते हैं और आप अगर एक कंपनी में चले जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो किस चीज का एक्सपर्ट कहेंगे? वो किसी भी, आपको सारे स्किल ही आते हैं लेकिन आप किसी में एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, फिर वो आपको एज अ सब्स्टिट्यूट ही रखेंगे कि अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर छुट्टी पे है तो आप उसकी जगह काम कर रहे होगे, अगर कोई वीडियो एडिटर छुट्टी पे है तो आप उसकी जगह काम कर रहे होगे। तो कोशिश करें कि जिस स्किल में आपका जहन या आप समझते हैं कि ये डिमांडिंग भी है, ये मैं समझ भी सकता हूँ, इसको आगे भी मैं लेके चल सकता हूँ, तो आप उस स्किल पे फोकस करें। एक प्रोफाइल पे 2 स्किल्स हो तो मजीद स्किल्स के लिए नया प्रोफाइल बनानी होगी। यास्मीन शोएब, आप अपवर्क के एक से ज्यादा प्रोफाइल्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइवर की तरह नहीं होता कि आप फेक आइडेंटिटी पे, यहाँ पे आपका NIC वेरीफाई होता है, आपका नेम वेरीफाई होता है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर वेरीफाई होती है, आपका नहीं तो आपके भाई का या किसी भी ऐसे इंसान के नाम पे आपने बनाना होता है जिसकी आप आइडेंटिटी अप्रूव कर सकें। जी रवि कुमार, आप मैसेज इग्नोर कर रहे हैं, आपने यहाँ पे मुझे मैसेज किया क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था जो क्वेश्चंस मैं मिस कर दूं वो काइंडली आप व्हाट्सएप ही पूछ लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन जाएगा। इस सर इस कोर्स के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि वर्क मिल जाए? जी ये क्वेश्चन है कि हम एक प्रोफाइल में दो आपके प्रोफाइल्स बन जाते हैं, ठीक है, एक स्किल आप जो है डाटा एंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप शॉपिफाई सेलेक्ट कर लें या ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट कर लें, लेकिन कोशिश करें कि दो ऐसे स्किल्स लिखें जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों, ठीक है, तो आपको ज्यादा फायदा होगा इस चीज का। अगर आप बिल्कुल ही मुख्तलिफ रखें, डाटा एंट्री तो बेसिक स्किल है, सेचुरेटेड भी है, बेशक इसके डिमांड भी है, इसकी जॉब्स भी मिलती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फ्रीलांसर आ चुके हैं, तो काम मिल भी जाता है लेकिन वो फिर उसकी नौयत ज्यादा होती है और पैसे उसके कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई स्किल नहीं है, नहीं, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत टेक्निकल काम भी आपको मिल जाते हैं। फिर अपवर्क का ये है कि अगर आपको कोई अच्छा क्लाइंट आपको मिल जाए जो आपको परमानेंट वर्क देता रहे, तो फिर आप डाटा एंट्री से भी लाखों महीने का कमा सकते हैं। मैं आपको इस चीज की गारंटी नहीं दे रहा कि, या मैं आपको इस तरह बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, आपकी कम्युनिकेशन और आप चीजों को किस तरह समझते हैं, किस तरह इस प्लेटफॉर्म को समझते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। और अगर आप अच्छे से समझते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर करते हैं, तो मैं फिर मैं 100% कह सकता हूँ कि आप और कुछ नहीं तो 50 to 60,000 जो है इजीली कमा सकते हैं। ये सना का स्किल था, क्वेश्चन था सॉरी, कि आपका कौन सा स्किल है? मैंने स्टार्ट लिया था एज अ डेटा एंट्री एक्सपर्ट, ठीक है, डेटा एंट्री एक्सपर्ट के तौर पे मैंने स्टार्ट लिया था, और उसके बाद अब मैं मूव हो गया हूँ कंटेंट राइटिंग पे, कंटेंट आर्टिकल राइटिंग पे, वर्डप्रेस का भी है, यानी एक से दो या तीन तीन ऑलमोस्ट स्किल्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। डेटा एंट्री तो एक सेचुरेटेड है और उसमें तो मतलब काफी सारी चीजें आ जाती हैं, उसके बाद आर्टिकल राइटिंग, वर्डप्रेस जो है, ये मैं समझता हूँ इन पे मुझे जो है आर्टिकल राइटिंग भी बहुत अच्छी ग्रिप है, ठीक है, वर्डप्रेस इसलिए क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उसके रिलेटेड भी मुझे काफी अच्छा नॉलेज है, ठीक है। ट्रांसलेशंस की क्या डिमांड है? ट्रांसलेशंस की भी अच्छी डिमांड है, सारे ही स्किल्स की डिमांड है। आप उन स्किल्स को किस तरह जो है वो पेश करते हैं, अपने स्किल्स को या अपने प्रपोजल्स किस तरह सेंड करते हैं, कौन सी ऐसी जो जॉब्स होती हैं जिन पे आप प्रपोजल सेंड करते हैं, आपने जॉब्स भी देखना होता है कि आप किन जॉब्स पे अप्लाई करते हैं कुछ। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, स्केचिंग, स्केचिंग आ जाती है ग्राफिक डिजाइन में, इसका टू बी ऑनेस्ट जरमीन मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का कि स्केचिंग का है या नहीं, लेकिन ग्राफिक डिजाइन में आती है। अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है और आपका माइंड क्रिएटिव है तो ग्राफिक डिजाइन आप लाजमी सीखें क्योंकि आप उसमें ज्यादा आगे जा सकती हैं, फिर आप स्केचिंग को भी साथ में ले सकती हैं। अपवर्क पे स्केचिंग की एज सच तो इतनी को खास डिमांड नहीं है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट वेबसाइट को बनाना, वेब डिजाइन उसको रिप्रेजेंट करना, वेबसाइट दिखती कैसी है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट मेरे ख्याल से तो बैक एंड होती है और वेब डिजाइन जो है वो फ्रंट पे जो आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग की जमीन बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छा स्किल है, आप पॉलिश करना होता है, आप वीडियो एडिटिंग में भी आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, लाखों में है ये, आपको जस्ट अपने स्किल पे इतना जो है वो भरोसा भी होना चाहिए और अच्छा पॉलिश भी किया होना चाहिए। इजी स्किल्स, ये सारे स्किल्स इजी हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप
जो है वो स्किल्स को किस तरह आगे से सीखते हैं, या किस तरह आर्टिकल राइटिंग में कितनी इनकम होती है। सर आई एम अ गुड आर्टिकल राइटर, सुमेरा ने क्वेश्चन किया। बहुत अच्छी अर्निंग होती है, कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छा स्किल है। और क्वेश्चन जितने भी रह गए हैं काइंडली माइंड मत कीजिएगा कोई भी, आप जो है वो या तो फेसबुक के ग्रुप पे पोस्ट कर दिया करें और या जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे पोस्ट कर दिया करें, आपको फौरन उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। कंटेंट राइटिंग में क्या लिखना होता है, कंटेंट राइटिंग में बहुत चीजें आ जाती हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाती हैं, कॉपी राइटिंग हो जाती है, बहुत सारी है। यस एसएमएम स्किल बेस्ट है, अपवर्क पे बहुत अच्छा है, बहुत इन डिमांड है। हाउ टू विन क्लाइंट्स एज सैचुरेशन इन एवरी फील्ड। मैं मोहम्मद, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मोहम्मद का क्वेश्चन था, मोहम्मद मोहम्मद हमाद का। मोहम्मद हमाद, आपको मैं इस क्वेश्चन का जवाब एक एग्जाम्पल से देखता हूँ। आप मार्केट में जाते हैं, आपको मार्केट में दर्जनों ऐसी दुकानें मिलेंगी जो कि सेम टू सेम है, सेम टू सेम होती हैं, लेकिन उनको रिस्क मिल रहा है ना। तो यहां से आप समझ लें कि जो रिस्क आपके लिए अल्लाह ताला ने लिखा है, आप चाहे लाख लाख लोग भी उस स्किल पे काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जरूर, अगर आपके हक में वो रिस्क लिखा गया तो आपको ये मिलेगा। अल्लाह ताला पे भी यकीन होना चाहिए क्योंकि राजिक वही है। ठीक है, तो इस तरह ना समझे कि आपने अगर कोई अच्छा स्किल चूज कर लिया है तो आपको उसमें जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी क्योंकि पहले ही इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जो है वो अच्छा इन डिमांडिंग स्किल पकड़े, उसको अच्छे से सीखें, उस पे अपनी एक्सपर्टी उसको, मतलब आप कोई भी आपको अगर कहे तो आप कहें मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में। ठीक है, फिर आप देखें और उसको फिर स्ट्रेटजीज अप्लाई करें, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर देखें आपके पास क्लाइंट्स कैसे आते, क्यों नहीं क्लाइंट आते। ये आप खुद से क्वेश्चन किया करें कि अगर आप, आपके पास बहुत अच्छा स्किल है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हो, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, तो फिर आपके पास क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा, क्यों विन नहीं कर पा रहे आप ढूंढें, खुद में क्वेश्चन करें, अपने मेंटोर से पूछें, आप क्वेश्चंस किया करें अपने जो है मेंटोर से किया करें, या आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं तो आप पूछें अपने, आपको भी खुद भी एनालाइज किया करें। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो कि इंसान को खुद ही पता होती हैं, ठीक है, फिर वो आपको कोई और बता नहीं सकता। तो कोशिश करें खुद से भी पूछा करें कि अगर आपको, आप हर चीज में परफेक्ट हैं तो आपको क्यों नहीं मिल रहा, अगर आप 10 प्रपोजल दें तो आपको कितने क्लाइंट्स मिल जाते हैं। अहमद रजा, यहाँ पे प्रपोजल्स पे इस तरह होता है कि अगर आप राइट जॉब्स पे अप्लाई करते हो ना तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आपने देखना होता है, डिमांड है अभी जी। आपका नाम नहीं मुझे पता लेकिन डाटा एंट्री की भी डिमांड है, बहुत इसमें टेक्निकल चीजें आगे आ जाती हैं। सर लेक्चर तो क्वेश्चंस, प्लीज कंटिन्यू लेक्चर। जी जी, मैं बस उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन जो है हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी अपवर्क और फाइवर में क्या फर्क है, मैं क्यों इंडोर्स करता हूँ ज्यादा अपवर्क को। अपवर्क ने मेरी जिंदगी बदली है, मैं एक जीता जागता सबूत हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी लाजमी शेयर करूंगा, अपना मुझे उसमें कोई भी जो है वो बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि मैंने स्टार्ट लिया था एक गाँव से जहाँ पे इलेक्ट्रिक सिटी भी नहीं होती थी और मैं सोलर पे काम करता था। जब मैं गांव आता था, अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं जब गांव आता था तो बहुत सारी इस तरह के हार्ड टाइम होते थे कि मैं जो है वो काम भी कर रहा होता था लेकिन लाइट भी नहीं होती थी, रात को भी करना होता था, तो सोलर पे या सोलर बैटरीज पे मैंने काम जो है वो अपना स्टार्ट किया था। तो इस तरह की काफी स्ट्रगल्स आपको जो है वो करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, काफी टफ डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं अगर आपने वो अचीव करना है जो आप सोचते हैं। ठीक है, अगर आप तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना मेरा, तो फिर जो है वो लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अपने जो आपने अचीव करना है उन गोल को सेट किया करें, कोशिश किया करें कि जो है फिर उन पे आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करें। अगर आपको मुश्किलात आती हैं तो मुश्किलात फेस करें, उन मुश्किलात और मुश्किल टाइम से ही आप मजीद सीखते हैं। ठीक है, मैंने भी जो कुछ सीखा है, जो कुछ मैं आज हूँ, तो मैंने भी अपने उन टफ टाइम्स में जो मैंने टफ डिसीजन लिए उनपे मैंने फिर मैं उनपे डटा रहा, उनपे काम किया, मैंने काम करना ना छोड़ा, वो सारी चीजें इस पे मैटर करती हैं। ठीक है, अपवर्क और फाइवर में क्या डिफरेंस है। अपवर्क पे 45 मिलियन विजिटर्स होते हैं, ठीक है, और फाइवर पे 35 मिलियन विजिटर्स जो है वो होते हैं, 10 मिलियन विजिटर्स का फर्क है। तो यहाँ से आप अपवर्क का अंदाजा लगा सकते हैं कि अपवर्क पे आपको 10 मिलियन एक्स्ट्रा विजिटर्स या क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि आपके, आपको क्लाइंट विन करने के चांसेस जो है वो बढ़ा देता है। अपवर्क और फाइवर में दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप बिड करते हैं, मैं आपको ये चीज भी समझा देता हूँ, उस दिन भी मैंने समझाई थी।
फाइवर पे होता है, फाइवर पे आपने गिग बना के छोड़ देनी होती है, फिर आप वेट करते हैं कि कोई क्लाइंट आपके पास आए, क्लाइंट आए फिर उसको जो है वो एंटरटेन करते हैं आप, फिर कुछ मसाइल गिग डी रैंकिंग के आ जाते हैं, गिग डी रैंक हो जाती है, इस तरह के मतलब बहुत सारे मसाइल हैं जो एज अ बिगिनर फ्रीलांसर आपको उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती हैं। लेकिन जो अपवर्क है उसमें ये है कि यहाँ पे हर मिनट के बाद जो है वो जो जॉब जो है वो पोस्ट हो रही होती है नई से नई, तो यानी आपके पास जो है वो 60 मिनट्स में से 60 मिनट्स टोटल होते हैं, ठीक है, 60 में से 60 मिनट होते हैं कि आपकी जो है वो कुछ लक पे डिपेंड करता है और आपकी कुछ कम्युनिकेशन गेम पे, कुछ प्रोफाइल और आपके स्किल पे, कि आप उन 60 मिनट में अगर प्रपोजल सेंड करते हैं 10 तो आप कितने विन करते हैं, या अगर आपका कोई क्लाइंट प्रपोजल देख भी ले स्टार्टिंग में तो ये भी आपके लिए अचीवमेंट होती है, यानी आपको पता चल जाता है अगर आपने 10 प्रपोजल्स भेजे हैं तो आपके जो 5 प्रपोजल्स हैं वो क्लाइंट ने देखे हैं, तो मतलब आप प्रपोजल्स के गेम में कुछ हद तक ठीक जा रहे हैं, ठीक है, फिर आपको अपने प्रोफाइल पे अपने पोर्टफोलियो पे काम करना होता है। आपने अपना पोर्टफोलियो, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है सर हमारे पास पोर्टफोलियो ही नहीं है कोई, इसका भी हल मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल सा हल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हल है। फेसबुक पे बहुत से फ्री लांसिंग के ग्रुप्स हैं, वहां पे आपने वो ज्वाइन करने होते हैं और आपका जो भी स्किल है आपने मेंशन करके कहना होता है कि ये 3 से 4 लोगों को मैं मुफ्त अपनी सर्विस दूंगा इस स्किल के लिए, फिर उनसे मुझे ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए होगा, ठीक है, वो आपने जो काम किया होगा ना वो आप एज अ पोर्टफोलियो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप जो आपको फीडबैक देगा वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह आपने अगर वहां पे आप फ्री भी काम करके देंगे तो लोग आपको बताएंगे कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो आपने आराम से तहमुल से उन चीजों को सुनना होता है और वो जितना बेहतर करेंगे फिर आपको आपका पोर्टफोलियो जो है वो जनरेट होता जाएगा। इसी तरह अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह उसको समझ नहीं आ रही, तो ये बेस्ट वे होता है पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आता है अपवर्क पे ज्यादा कि सर हमने 10 प्रपोजल सेंड किए हैं लेकिन अभी तो हमें तो कुछ जॉब ही नहीं मिली, 10 प्रपोजल्स कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, आपने कोशिश करनी होती है कि राइट जॉब्स पे को सिलेक्ट करें और फिर अच्छा प्रपोजल सेंड करें, ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि बिल्कुल आप अपवर्क पे आए और जो जॉब आपके सामने नजर आई आपने उठा के उसको प्रपोजल लिख दिया, नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने राइट जॉब्स कैसे जो है वो सिलेक्ट करनी है, आपको किस तरह पता लगेगा कि वो जॉब आपके लिए सही है, आपने उस पर बिड करना है। तो मैं फर्क बता रहा था अपवर्क और फाइवर में कि अपवर्क पे इस तरह फेसबुक पे जैसे एक स्टेटस में हम पोस्ट लगाते हैं ना उस तरह क्लाइंट आता है अपना, उसका क्लाइंट का जो प्रोफाइल होता है ना क्लाइंट का वो अलग होता है, ठीक है, उसमें फिर जैसे फेसबुक पे हम स्टेटस लगाते हैं उस तरह क्लाइंट आता है अपना जितनी भी उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें पोस्ट करता है और अपवर्क पे अपलोड कर देता है, ठीक है, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये आपके सामने ये सारी जॉब पोस्ट है, जॉब पोस्ट, ठीक है, ये जॉब पोस्ट पहली हो गई, इसके नीचे जाते जाएंगे तो ये आप देखें कितनी जॉब पोस्ट है, ठीक है, ये बेस्ट मैचेस में आपको नजर आ रही हैं जो आपके स्किल के रिलेटेड होंगी, ठीक है, ये देखें आपको कितनी जॉब्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, और अगर आप राइट जॉब पे अच्छा प्रपोजल सेंड करके अच्छे पोर्टफोलियो के साथ अप्लाई करें तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये जॉब्स ना मिले, क्यों ना मिले, ठीक है, उसके बाद रिसेंट जॉब्स पे मैं क्लिक करूँ तो रिसेंट जॉब में अभी जो अभी अभी पोस्ट जॉब्स हुई होंगी वो सामने आ जाएंगी, ये देखें 51 सेकेंड्स पहले एक जॉब पोस्ट हुई है, डेटा एंट्री यूजिंग यूनिक आईपीज, इस तरह की जॉब दी मैंने, अपने डाटा एंट्री वाला प्रोफाइल आपको ओपन करके दिखाया हुआ है और मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपनी अर्निंग भी दिखाई थी और जो साइड अर्निंग यानी जो क्लाइंट्स बाहर लेके जा रहे थे वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो शेयर नहीं की जा सकती, ठीक है, वो उसमें फिर क्योंकि हमने पियोनीर में, बैंक में, जैस कैश में, वाइज में अलग अलग तरीकों से जो है वो पेमेंट ली हुई होती है तो वो एक कोई प्रॉपर वे नहीं होता जिसमें हम वो शो कर सकें, ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि यहाँ पे इस तरह आपके सामने जॉब पोस्ट हुई आती है, हर मिनट के बाद नई से नई जॉब पोस्ट होती हैं और आप इन पे बिड करके क्लाइंट हासिल कर सकते हैं, आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका जो है लाइव चैट का ऑप्शन होता है इसमें, उसके बाद जो है अपना स्किल्स जो भी है फ्रीलांसर की स्पेशलाइजेशन होती है उसमें, यानी 2 प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं एक में, ठीक है, वो चीजें भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दी हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो क्लाइंट होता है और जो फ्रीलांसर होता है जितनी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की और फ्रीलांसर की अपवर्क दिखाता है ना उतनी फाइवर कभी भी नहीं दिखाता, मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक क्लाइंट, यहाँ पे ये जॉब जो है इस पे मैंने समझा ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट है, ये मैं कर सकता हूँ,
इस पे मैंने बिड करना है। बिड बिड का मतलब होता है आपने प्रपोजल सेंड करना होता है, यानी कमेंड करना होता है। अगर सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ कि आपने अगर ये डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, ये रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की, ठीक है, कि ये मुझे चाहिए, ये काम मैंने करवाना है, तो फिर आपने यहाँ पे ये देखें सबमिट अ प्रपोजल राइट साइड पे टॉप पे ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने लिखना होता है कि जी मुझे आपकी जॉब समझ आ गई है, ये मैं कर सकता हूँ, आप मेरा प्रोफाइल देखें, मेरा पोर्टफोलियो देखें। तो जिस तरह फेसबुक पे पोस्ट करने के बाद कमेंट शो होता है, फिर उसी तरह अपवर्क का अलग सिस्टम है, उनको जितने भी फ्रीलांसर प्रपोजल सेंड करते हैं फिर उस क्लाइंट को नजर आते हैं, ठीक है, वो फिर पढ़ता है, कुछ को मिस करता है, कुछ को पढ़ता है, तो फिर उस पे वो अपना जो है वो मैसेज करता है, अगर किसी ने किसी से वो कोई क्लाइंट का प्रपोजल फ्रीलांसर का प्रपोजल क्लाइंट को अच्छा लग जाता है तो फिर वो उसको मैसेज करता है और फिर आगे बात बढ़ती है। ये सारी चीजें मैं आगे आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। देखें इस जो है वो प्लेटफॉर्म को समझना बहुत आसान है अगर आप इसको आसान समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस पे चलेंगे, ठीक है, सारी क्लासेस को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा था कि जितनी इंफॉर्मेशन अपवर्क प्रोवाइड करता है ना क्लाइंट के बारे में, उतना फाइवर नहीं करता। यहाँ पे आप देख रहे हैं अबाउट द क्लाइंट, यहाँ पे सारी चीजें जो है वो अपवर्क ने मेंशन की हुई है कि क्लाइंट ने कितनी जॉब जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट की है, क्लाइंट कहाँ से है, क्लाइंट का टाइम इस वक्त क्या है, क्लाइंट कितने पैसे खर्च चुका है, क्लाइंट किस कंपनी से रिलेटेड है, ये सारी चीजें। उसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो नीचे यहाँ क्लाइंट की हिस्ट्री भी शो होती है, जितनी भी उसने जॉब्स यहाँ पे पोस्ट की होती हैं, जितने भी फ्रीलांसर को उसने हायर किया होता है और फ्रीलांसर ने उनको जितने रिव्यूज दिए होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे नीचे क्लाइंट हिस्ट्री में शो हो रही होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक और क्लाइंट का जो है ये देखें कितनी सारी जॉब जो है यहाँ पे पोस्ट हुई हुई है, तो आप इन पे बिड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब्स पे बिड किस तरह करना है और कौन सी जॉब पे बिड करना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये क्लाइंट हिस्ट्री है, ये देखें यहाँ पे जो जॉब्स अभी प्रोग्रेस में है वो भी दिखाता है, ठीक है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वरना जो जॉब्स कंप्लीट हो गई हैं और जिनका रिव्यू क्लाइंट ने फ्रीलांसर को दिया है और फ्रीलांसर ने क्लाइंट को दिया है वो भी आपको नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें नीचे ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये लीड जनरेशन का एक प्रोजेक्ट था, यहाँ पे क्लाइंट ने लीड जनरेशन प्रोजेक्ट में 4,105 डॉलर जो है वो स्पेंड किए हैं, ये आवरली जॉब थी, यानी घंटे के हिसाब से वो अपने फ्रीलांसर को पे कर रहा था, यानी एक घंटे में एक घंटे के तय कर लिए उन्होंने पहले क्लाइंट ने और फ्रीलांसर ने, यानी आपने और क्लाइंट ने तय कर लिया कि मैं एक घंटे के $3 लूंगा, फिर जितना भी काम है उसमें एक घंटे में कर सकूं, ठीक है, ये तय हो जाता है पहले। और उसने 1,313, अच्छा जी, ये आवर्स यही आपको नजर आ रहे हैं, ये आवर्स जो है वो यहाँ पे उसने किया है, उसके बाद रेट है इसका $3 पर आवर, $3 पर आवर के लिहाज से इसके पास बना है 4,105 डॉलर इसने कमाए हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्ट से, एक प्रोजेक्ट से अपवर्क पे। देखें इस तरह के आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ये फरवरी में स्टार्ट हुआ था और अगस्त में ये आके खत्म हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसको फ्रीलांसर ने क्लाइंट को रिप्लाई दिया है, क्लाइंट ने ये प्रपोजल जो है वो रिप्लाई अपना रिव्यू रिव्यू जो होता है वो दिया है उसको क्लाइंट को, और यहाँ पे क्लाइंट ने उसको 5 स्टार्स दिए हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है अपवर्क क्लाइंट के बारे में आपको देता है जो कि फाइवर कभी भी नहीं प्रोवाइड करता। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं चैट में आपने अगर मेंशन कर दिया, टाइम कम हो गया तो वो आप जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप में लाजमी पूछ लीजिएगा ताकि आपके सारे जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आपको बिड करने के लिए कनेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कनेक्ट एक टिकट सिस्टम होता है, टिकट सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप प्रपोजल सेंड करते हैं, सॉरी, क्लाइंट को आप जब इस तरह वो जॉब पोस्ट करता है क्लाइंट आके, आप उसको प्रपोजल सेंड करते हैं तो आपके कनेक्ट इस्तेमाल होते हैं, कनेक्ट यानी टिकट, एक टिकट, मैं आसान अल्फाज में कह रहा हूँ, टिकट इस्तेमाल होते हैं, ये आप राइट साइड पे नीचे देख रहे होंगे अवेलेबल कनेक्ट्स, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट्स आपके इस्तेमाल होते हैं जो कि फाइवर में नहीं होता, ठीक है। कुछ हर हर जो प्लेटफॉर्म है उसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है, इस तरह ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी है।
जितने भी क्वेश्चंस है काइंडली वो लाजमी पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं मुझे अच्छा लगता है उनको आंसर करते हुए, कि और मुझे भी खुशी होती है कि वो इस कोर्स में प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो उनको चीज जो समझ नहीं आ रही मैं उनको समझा रहा हूँ, ठीक है। और अपवर्क पे कौन काम कर सकता है? कोई भी अपवर्क पे काम कर सकता है अगर आपके पास स्किल है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी छोटे से छोटा स्किल भी है ना, तो आप अपवर्क पे काम कर सकते हैं। फिर एज अ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप किचन मनी के लिए, यानी आप इतने कमा लेंगे कि आपका घर चल जाएगा। उसके बाद फिर आपने कोशिश करनी होती है कि आप किसी भी लॉन्ग टर्म स्किल पे फोकस करें, फोकस करके लॉन्ग टर्म स्किल सीखें, ताकि आपकी अर्निंग जो है वो कंसिस्टेंट रहे, आगे बढ़ती जाए, और आप अगर इसको करियर के तौर पे भी लेना चाहें तो लेके जा सकें, ठीक है। आपको अपना स्किल सीखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप अपने स्किल में बेहतर से बेहतर होते जाएं, ठीक है। बिलो 18 जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर अपने भाई के नाम पे, अपने वालिद के नाम पे, मदर के नाम पे, किसी भी जिनका आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है उनके नाम पे, वो इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो अपवर्क है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी मांगता है बाद में, आपका NIC भी अपलोड होता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और ये कोशिश करता है कि जितने भी फेक लोग हैं वो एलिमिनेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो स्कैमर्स की तादाद कम हो जाती है, अगर हम दूसरी चीज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें तो, ठीक है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है इस पे, ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास डिजिटल एक्सपीरियंस कोई नहीं था, कि मैंने क्लाइंट के साथ काम किया हो तो फिर मुझे एक्सपीरियंस मिला जो कि मैं आगे क्लाइंट्स को दिखा सकूं, नहीं। मैंने अपनी कम्युनिकेशन गेम इतनी स्ट्रांग की थी कि मैं अगर प्रपोजल सेंड करता था तो कम से कम क्लाइंट देखता जरूर था, ठीक है। फिर जब वो मेरे मैसेजेस में आ जाता था तो फिर तो मेरे लिए और भी इजी हो जाता था उसको इतना एतमाद में लेना कि मैं उसका प्रोजेक्ट किस तरह से जो है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 1-2 घंटे के प्रोजेक्ट के लिए $150 जो है वो कमाए थे। सिर्फ एक PDF को वर्ड में कन्वर्ट करना था और उसका जो पोस्ट लगाई थी क्लाइंट ने वो थी $150, ठीक है। यहाँ पे मैसेजेस ओपन करते हुए देर हो जाएगी, अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह, मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको वो प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा लाजमी, ताकि आप मोटिवेट भी हो कि किस तरह जो है वो आप इस पे कमा सकते हैं। $150 का एक प्रोजेक्ट था जो कि सिंपली एक मैंने सॉफ्टवेयर की मदद से उसको करके कन्वर्ट करके और उसमें एडिट करके उसको प्रोवाइड किया, और वो बहुत खुश भी हुआ। और इस तरह के भी आपको यहाँ पे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तब तक ओपन होगा तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। अर्निंग्स कितनी कर सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आप कितना टाइम देते हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो यहाँ पे डिपेंड करता है। काइंडली जितने भी स्टूडेंट्स आज की क्लास ले रहे हैं, काइंडली इसको अच्छे से सुने, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पूरी प्रैक्टिकल क्लास होगी, ठीक है। उसमें हमने जो है वो प्रोफाइल बनाना किस तरह है वो स्टार्ट कर देंगे। मैंने ये पहले 2 लेक्चर इसलिए रखे हैं ताकि आपको इजीली कुछ बेसिक चीजों के बारे में बता जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि अपवर्क काम किस तरह करता है, कि यहाँ पे जॉब पोस्ट होती है, फिर आप कनेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्रपोजल सेंड करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एक आइडिया हो जाए कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह काम करता है, और आपके जितने भी क्वेश्चन हो वो उनको भी मैं पहले से ही क्लियर कर दूं, ताकि जब हम प्रोफाइल बनाएं और आगे चीजों को लेके चलें तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज की तो इम्पोर्टेंट है ही है, पहली भी लाजमी सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जो है एक सिंगर, एक अगर एक अब आप अच्छा क्लाइंट विन कर लेते हैं ना, तो आप मिलियन भी कमा सकते हैं, मिलियन भी उससे कमा सकते हैं इजीली। स्किल पे डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।